पर दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो आप लोगों के सामने दो ऐसी समस्याएं आती होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहली समस्या है कि आपका फोन अगर स्लो चलता है या हैंग करता है तो उसका क्या उपाय करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके बाद में आपका मोबाइल स्मूथली चलने लग जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सेटिंग करना है। अगर दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जैसे मान लो बहुत सारी बार ये प्रॉब्लम होता है कि आप डाटा, अपना जो इंटरनेट डाटा होता है उसको यूज भी नहीं करते हो, फिर भी जो है आपका थोड़ा सा नेट चलाने के बाद में एक मैसेज आता था 50% डाटा यूज्ड, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद में फिर मैसेज आता था 90% डाटा यूज, और उसके 2-4 मिनट बाद में ही आपका डाटा जो है पूरा खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो डाटा कहाँ यूज हुआ। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि डाटा आपको थोड़ा सा यूज करते हैं उसी में आपका पूरा डाटा खत्म हो जाता है, 1 GB 2 GB, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके बाद में आपका डाटा जो है वो आपकी मर्जी के बिना यूज नहीं होगा आपके मोबाइल में। तो चलिए पहली सेटिंग जो है वो करते हैं आपके मोबाइल में। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो सेटिंग सेक्शन है ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहां से सेटिंग सेक्शन में जाएंगे। सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल का अबाउट फोन है, अबाउट डिवाइस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे जो ये वाला जो है ऑप्शन है अबाउट डिवाइस का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास को जाना है ये जो वर्जन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर। ठीक है, वर्जन वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है बिल्ड नंबर का, बिल्ड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर 3-4 बार आप टैप कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है यू आर नाउ इन डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग के अंदर जो है सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। सेटिंग के ऊपर ऊपर ही ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। ये डेवलपर ऑप्शन के नाम से जो सेटिंग आ रही है इसके ऊपर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हुआ है करके आपको दिख जाएगा, और नीचे जाना है ऐप वाले सेक्शन के अंदर जहां पे आपको एक फीचर है जिसको आपको क्या करना है ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे जो आपको मिलेगा यहाँ पे ऐप का जो सेक्शन है, ऐप वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ पे डोंट कीप एक्टिविटी के नाम से जो आपका जो डिस्टोरी एवरी एक्टिविटी एज सुन एज द यूजर लीव्स इट, ये वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में आपके जो अनवांटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी इनेबल हो जाएंगी, यानी कि आपकी सारी बंद हो जाएंगी, जिससे आपका जो फोन है वो हैंग करना या जो स्लो चल रहा था उसका जो प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाएगा। इस सेटिंग को करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद में आप अपने जो बैकग्राउंड में जो एप्स हैं उनको आप इस तरीके से आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और आप अभी देखेंगे आपका जो मोबाइल का यूजिंग का आपका एक्सपीरियंस है वो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका जो फोन है पहले जो हैंग कर रहा था वो अभी हैंग नहीं करेगा। अभी जो दूसरी सेटिंग मैं बताने वाला हूं, जो आपका जो इंटरनेट डेटा जो अनवांटेड अब बिना आपकी मर्जी के कंज्यूम हो जा रहा है उसको कैसे रोकेंगे, उसको रोकने के लिए भी आपको क्या करना है, आपके सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है। सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपका जो ऐप मैनेजमेंट वाला सेक्शन है वहां पे आप जाइए। ठीक है, ऐप्स के नाम से आपका जो सेक्शन है यहाँ पे जाइए ऐप मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर जाने के बाद में आपने जितने ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे ऐप यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके बिना काम के ऐप्स हैं जो आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किए, आपने पहले कभी इंस्टॉल कर लिया था, उन ऐप्स को क्या कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, और सिर्फ वही ऐप्स रखनी है जो आपके यूज की हैं या फिर आपके काम की हैं। ठीक है, ऐसी ऐप्स रखनी है, और जो ऐसी ऐप जो आप रखते हैं उसमें से जैसे आपके फेसबुक्स हैं, मैसेंजर है, इस तरीके की ऐप जो इंटरनेट से चलती हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके जो भी ऐप हैं उन जो इंटरनेट से चलती हैं उनको क्या करना है, यहां पे जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूं, ये मैसेंजर है, मैसेंजर के ऊपर जाता हूं, मान लो कि मैसेंजर के ऊपर जाता हूं तो यहां पे आप देखेंगे डाटा यूजेज के वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जाइए।
डाटा यूजेज के अंदर जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड डाटा का। बैकग्राउंड डाटा ये जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो जाता है, उसका ये मतलब होता है कि ये आपका जो डाटा है बैकग्राउंड में यूज करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करके बाकी जो ऐप है जो इंटरनेट से चलती है उनका अंदर भी जाके आपको यहां पे जो ये ऑप्शन है ना डाटा यूजेज, वहां पे जाके आपको बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी सभी एप्स के अंदर जो इंटरनेट से चलती हैं उनको जो बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, जो बैकग्राउंड में जो डाटा यूज हो रहा था वो यूज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों सेटिंग्स आपके बहुत काम आएंगी। आप करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।